हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, एज ए सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड करनी है जिससे कि हमें क्या हो, एक प्रोडक्ट फाइंड हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है हमारे पास x+4 x+10। अब इसमें हम एक सुटेबल आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, वो आइडेंटिटी है हमारे पास, चाहो तो आप फॉर्मूला मान के चलिए उसको। फॉर्मूला है हमारे पास x+a और x+b। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास x² + a + b x + a * b। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां पे x जहां पर आपको दिखेगा, x की वैल्यू रखने वाले हैं हम x, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। अब सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास x² + इधर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 + b की वैल्यू क्या है 10। x की वैल्यू हमारे पास x ही है प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 4 और इंटू b की वैल्यू है 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, ये x इंटू हो जाएगा तो 14x + 4 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। यानी कि हमारे पास क्या है x² + 14x + 40 और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x है और हमारे पास x की वैल्यू इसमें नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं, तो दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास x+8 और x-10। अब इसमें भी सेम हमारी आइडेंटिटी लगने वाली है। क्या आइडेंटिटी थी हमारी, हमारी आइडेंटिटी थी x+a और x+b। इज दैट क्लियर। इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x² + a + b × x + a × b। अब यहां पर x की वैल्यू x ही मानते हैं हम, x की वैल्यू x, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -10। अब इन वैल्यूओं को हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं, तो जब हम पुट करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, ये x² का x² हो जाएगा प्लस a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है -10 और इधर बाहर हो जाएगा × x प्लस a की वैल्यू कितनी है 8 × b की वैल्यू कितनी है -10। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, x² का x² में से ही आएगा प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 - 10, इधर बाहर आ जाएगा आपका x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 8 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए यहां हो जाएगा x² + 8 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये बाहर x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा इधर आ जाएगा आपका माइनस का 80। सो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, x² + 2x - 80, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x + 4 3x - 5। इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, x + a x + b। इस पॉइंट क्या था हमारे पास, x² + a + b × x + a × b। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारी 3x, a की वैल्यू है हमारी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी मेरी -5। अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x² हो जाएगा इसमें प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस b की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू क्या है हमारी 3x तो इंटू ये हो जाएगा 3x प्लस फिर a की वैल्यू है मेरे पास 4 और इंटू b की वैल्यू है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x², क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा प्लस अब यहां क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 5 इधर 3x हो जाएगा प्लस 4 × 5 है तो 20 और सिंबल बड़े नंबर में है तो -20 हो जाएगा ये। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x² प्लस ये कितना हो जाएगा -1 3x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। 9x² प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3x बन जा
थ्री एक्स माइनस 20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप आइडेंटिटी लगा करके आप इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जिसमें जो फॉर्मूला आपको फिट लगेगा उसमें वो फॉर्मूला आपको लगाना है, देन आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a को मान लो आप y स्क्वायर, a को मान लेंगे हम y स्क्वायर और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 2। क्या हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 2। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें फिट बैठ रहा है, क्योंकि b की वैल्यू सेम है हमारे पास और a की वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए इसमें जब हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है y की पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इससे आगे तो ये सॉल्व होने का नहीं, इसलिए यहीं पर हमारा आंसर निकल गया है। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा वाला, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें उल्टा लिखा हुआ है लेकिन आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम ही आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ रही है, सो इसलिए हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 2x। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।